सो फ्रेंड्स, आज भी हम करने वाले हैं एक VRPC बिल्ड। एंड आज के जो VRPC बिल्ड का बजट है वो अराउंड 80,000 रुपीज़ के आसपास है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि 80,000 रुपये के बजट में मैंने कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें चूज़ करा है, वो भी कितने प्राइस पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे हमेशा की तरह जो पहला कंपोनेंट मैं चूज करता हूँ वो ऑब्वियसली है प्रोसेसर। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रोसेसर के केस में मैंने चूज करा है AMD का एक काफी हाई एंड सीरीज का Ryzen 7 2700 प्रोसेसर, जो कि आता है फ्रेंड्स 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके किसी भी काम के लिए। चाहे अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप हायर टू हायर सेटिंग्स पे गेम्स को प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेसर है AMD का, इस वक्त पे आपको जो है मार्केट में परचेज करने के लिए मिल जाता है आई थिंक मेरे हिसाब से 24,250 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो फिर बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है मदरबोर्ड। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स, मदरबोर्ड के केस में मैंने एक मिड रेंज सेक्शन का जो मदरबोर्ड है उसको कंसिडर करा है, MSI का B450 मोटर गेमिंग मदरबोर्ड, जो कि फ्रेंड्स एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है। एंड इसके अंदर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको इसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे जो फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है 6 फेज का पावर डिजाइन मिल जाता है, यानी अगर आप थोड़ी मोड़ी ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो Ryzen 2700 पे कर सकते हो। मैं कहूंगा इतनी एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत ट्विकिंग आप इस पे कर सकते हो। एंड ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी इस प्रोसेसर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है 4 रैम के स्लॉट्स मिल जाते हैं, बैक की साइड में इनपुट आउटपुट के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, और आपको 2 PCI एक्सप्रेस स्लॉट के साथ ही साथ 2 M.2 के जो पोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं इस MSI के मोटर गेमिंग मदरबोर्ड की प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो इस वक्त पे आपको ये मदरबोर्ड जो है मार्केट में परचेज करने के लिए मिल जाता है अराउंड 8,540 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो अगला कंपोनेंट है फ्रेंड्स, वो है RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड RAM के भी केस में फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा बजट ऑप्शन चूज करा है। Corsair की साइड में उनकी जो LPX DDR4 3000 MHz की फ्रिक्वेंसी वाली RAM आती है वो। एंड मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिंगल 8 GB की स्टिक चूज नहीं करी है, मैंने 2 स्टिक चूज करी है 8 GB की, यानी हमारे सिस्टम के लिए जो टोटल कैपेसिटी होने वाली है वो 16 GB की होने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट रहेगी हमारे, चाहे हम एडिटिंग कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं, उन सभी कामों के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं Corsair की इन 16 GB की रैम की प्राइसिंग की बात करता हूँ तो ये इस वक्त पे आपको मार्केट में परचेज करने के लिए मिल जाता है अराउंड 6,600 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो हमारे अगले कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो है स्टोरेज ऑप्शंस। एंड स्टोरेज के केस में फ्रेंड्स, हमेशा की तरह यहाँ पे एक SSD चूज करेंगे और एक रेगुलर वाली हार्ड ड्राइव। एंड SSD के केस में फ्रेंड्स, मैंने चूज करी है WD ग्रीन 120GB की M.2 SSD, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको फास्टर परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी नॉर्मल SATA SSD के मुकाबले, क्योंकि फ्रेंड्स हमने जो मदरबोर्ड चूज करा है उसमें भी आपको 2 M.2 के पोर्ट मिल जाते हैं, तो इजीली आप अपनी इस SSD को वहां पे लगा पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये इस वक्त पे आपको काफी अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे परचेस करने के लिए मिल जाती है अराउंड 1650 रुपए के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से हमारी विंडोज और अदर एप्लीकेशंस को फास्टर चलाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। जहां तक फ्रेंड्स अगर हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो वो फ्रेंड्स मैंने वही रेगुलर वाली जो है WD 1 TB की ब्लू वाली हार्ड ड्राइव चूज करी है, जो कि इस वक्त पे आपको आई थिंक परचेस करने के लिए मिल जाती है 2900 रुपए या अराउंड 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो फिर यहां पे बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि फ्रेंड्स सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारे एक गेमिंग सिस्टम का, जो कि है फ्रेंड्स GPU, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एंड फ्रेंड्स, ग्राफिक्स कार्ड के केस में मैंने चूज करा है जो है Inno3D का ट्विन X2 डिजाइन वाला, यानी ड्यूअल फैंस वाला RTX 2060 6 GB की GDDR6 मेमोरी के साथ, जो कि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो हमने प्रोसेसर चूज करा है AMD का Ryzen 7 2700 उसके साथ एक बहुत ही अच्छा पेयर होने वाला है। चाहे अब अगर आप गेमिंग कर रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, या फिर एडिटिंग कर रहे हो, सभी में आपको बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर करने वाला है। तो यहां पे फ्रेंड्स, Inno3D के इस जो है ट्विन X2 RTX 2060 की अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये इस वक्त पे आपको परचेस करने के लिए मिल जाता है मार्केट में अराउंड 29,570 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है फ्रेंड्स कैबिनेट, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कैबिनेट नहीं होगा तो फिर आप सारे पार्ट्स को असेंबल कहां पे करने वाले हो। तो यहां फ्रेंड्स कैबिनेट के केस में भी मैंने एक थोड़ा बजट ऑप्शन चूज करा है। सर्कल की साइड में उनका एलिमिनेटर X1 गेमिंग सीरीज का कैबिनेट, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छे मैं कहूंगा फीचर्स के साथ आ जाता है, जिसमें आपको फ्रंट की साइड में 3 फैंस देखने के लिए मिल जाते हैं 120 mm के,
वो भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ। हालांकि यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि जो फैंस आपको मिलते हैं वो आरजीबी नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल कलर के साथ मिलते हैं जो कि रेड कलर है। स्पेस जो है वो आपको फ्रंट में भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है, वहाँ पे आप बड़ा से बड़ा अगर ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो कर सकते हो। नीचे की साइड में आपको पावर सप्लाई का श्राउड मिल जाता है, बैक में आपको जो है केबल मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा खासा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं इस सर्कल के जो एलिमिनेटर X1 कैबिनेट है इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ तो ये इस वक्त पे आपको मार्केट में परचेज करने के लिए मिल जाता है अराउंड 3300 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो आखिरी कंपोनेंट मैंने चूज करा है वो ऑब्वियसली है फ्रेंड्स PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, जो कि फ्रेंड्स अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमारा सिस्टम पावर अप कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पावर सप्लाई है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड उसको भी बहुत सोच समझ के हमें परचेज करना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा एट द एंड में चूज करता हूँ, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को चूज करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ओवरऑल कितनी पावर ड्रॉ करने वाला है, उसके हिसाब से हम एक परफेक्ट पावर सप्लाई चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस केस में मैंने चूज करी है कूलर मास्टर की मीनवेल 550 वॉट की पावर सप्लाई, जो कि मैं कहूंगा फ्रेंड्स हमारे सिस्टम को पावर देने के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। यही भी फ्रेंड्स अगर मैं इस कूलर मास्टर की मीनवेल 550 वॉट की पावर सप्लाई की प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये आपको इस वक्त मार्केट में परचेज करने के लिए मिल जाती है अराउंड 3150 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स फिर यही सब कंपोनेंट्स मैंने चूज करे थे आज के इस VRPC बिल्ड के लिए एंड यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप सारे कंपोनेंट्स को टोटल कर दोगे तो वो होता है फ्रेंड्स 80,000 रुपीस के आसपास। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इस बजट में जो कंपोनेंट्स हमने चूज करे हैं वो एक काफी अच्छा हाई एंड सिस्टम बना देते हैं, जिससे आपको काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, गेमिंग है, एडिटिंग है या फिर स्ट्रीमिंग है। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप भी जो है इन्हीं कंपोनेंट के साथ अपने सिस्टम को बिल्ड करना चाहते हो तो इन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स फिर मैं होप करता हूं कि आज का VRPC बिल्ड का वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है फ्रेंड्स तो लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपको किसी वजह से पसंद नहीं आता है तो वो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड रहे। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।